हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के सातवें अध्याय के 51 श्लोक संख्या पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी ने श्री नारद मुनि से भगवान के अनेक अनेक अवतारों का वर्णन किया और उन्होंने नारद मुनि से आगे कहा कि हे पुत्र, मैंने तुम्हें संक्षेप में प्रकट जगतों के सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बतलाया। उन्होंने क्या कहा? मैंने संक्षेप में बताया है, अब आप ऐसे कीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने जो ये ज्ञान है मुझे प्रदान किया। ये ज्ञान कहाँ से आया? भगवान से। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ही मुझे यह श्रीमद् भागवतम नामक तत्व ज्ञान संक्षिप्त रूप में बतलाया था और यह उनकी विभिन्न शक्तियों का संग्रह है। अब तुम स्वयं इस ज्ञान को विस्तार करो। तो ये भगवान ने, श्री ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को ये आदेश दिया कि ये जो ज्ञान है श्रीमद् भागवतम का ज्ञान जो है, आप इसको पूरी तरह से विस्तार करो। क्यों? क्योंकि वैदिक वृक्ष का ये पक्का फल है। द राइपेंड फ्रूट ऑफ ऑल वैदिक नॉलेज। और ये जो है पहले ही हम जान चुके हैं श्रीमद् भागवतम के पहले ही अध्याय के पहले ही श्लोक में प्रभुपाद जी वर्णन श्रीमद् भागवतम की महिमा और खास करके इस कलयुग के लिए महत्वपूर्ण। क्योंकि ये भागवत पुराण जो है ये दिव्य वाणी है और इस दिव्य वाणी के रूप में भगवान साक्षात अवतार है। भगवान श्रीमद् भागवतम में अपने दिव्य वाणी के रूप में जो है इस श्रीमद् भागवत के रूप में अवतारित। तो ये इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण जो है खास करके इस कलयुग। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में श्रीमद् भागवतम की महिमा को का वर्णन किया गया। पहली बात ये हमें समझनी चाहिए कि श्रीमद् भागवतम जो है भगवान श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है, उनके ही अवतार। और अगर हम जैसे कि इसीलिए श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये बताते हैं कि हमें
इस ज्ञान को किस तरह से प्राप्त करना चाहिए। गुरु परंपरा की यहाँ पे महिमा बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से ये आदेश किया कि तुम उसका जो है उसको विस्तार रूप से उसको जो है तुम उसको फैलाओ। क्या करना है, अब तुम स्वयं इस ज्ञान का विस्तार करो। तो भगवान का ये साक्षात अवतार है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस ज्ञान को भगवान से, तो भगवान ने ही ज्ञान दिया किसको, ब्रह्मा जी से नारद, नारद से व्यास, व्यास से सुखदेव, सुखदेव से सुत गोस्वामी। तो इस प्रकार से ये श्रृंखला चली आ रही है शिष्य परंपरा में भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधियों से प्राप्त। और ये जो है सभी वैदिक ज्ञान का पक्का हुआ फल, राइपन फ्रूट ऑफ वैदिक नॉलेज, ये वैदिक वृक्ष का पक्का फल। अचानक ऊंची शाखा से पृथ्वी पर गिरकर टूटे बिना सबसे मीठा फल जो है पेड़ के ऊपर सबसे ऊपर भाग में रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें, चंद्रमा की किरणें, वो बहुत अच्छी तरह से मीठा और पक्का हुआ फल। अभी पक्का हुआ फल जो है बहुत ही मुलायम, सॉफ्ट, बिना ऐसा लगता है कि छिलका भी नहीं हो या गुठली भी नहीं हो, जिस प्रकार से आम का फल बहुत ही मीठा, सबसे मीठा फल है। अनेक अनेक प्रकार के फल है और अनेक अनेक प्रकार के रस हैं। लींबू का रस, मौसम्बी का रस, अनार का रस हो या गन्ने का रस, बहुत सारे रस बहुत अच्छे। लेकिन आम रस के सामने ये सबसे श्रेष्ठ आम रस। इसी प्रकार से बहुत सारे जो वैदिक साहित्य है, सभी वेदों का ये पक्का हुआ मीठा रस से भरा हुआ आनंद देने वाला ये रस है ये श्रीमद् भागवत। पी बनती, बस उसको पीने से हम सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकते, सभी कल्मशों से मुक्त हो सकते हैं। भगवान के साथ संबंध हम तुरंत जोड़ सकते हैं, क्योंकि वर्णन किया गया है कि आदि मध्या वंशेनु वैराग्यख्यम सम्यतम हरिलीला कथावृता, कि जो ये श्रीमद् भागवत है जो है शुरू से अंत तक पूरी तरह से भगवान की सुंदर लीलाओं के वर्णनों से भरा हुआ है।
और ये जो है आनंद देती है किसको? सतसुराम, जो सत भगवत भक्त है उनको अति आनंद देती है। ये श्रीमद् भागवतम जो है सभी के लिए है, लेकिन सभी के लिए भी नहीं है, क्योंकि जो भक्त है, जो भगवान के भक्त नहीं है, वे नहीं समझ सकते। इसीलिए ये जो पका फल है बहुत ही डेलिकेटली जो है गुरु परंपरा के बिना गिर के, बिना दूषित होके, बिना जमीन पे गिरकर उसको बिखरे बिखरने से बचा के जो ये गुरु परंपरा के द्वारा ये जो है ये ज्ञान जो है आगे चलता है, क्योंकि ये बहुत ही मीठा फल है। और यहाँ पे बताया गया है कि सर्व वेदांत सारम, वेदांतों का सार, सर्व वेदांत सार, अद्वितीयतम, वो अद्वितीय, वन विदाउट अ सेकेंड, श्रीमद् भागवतम पुराण से और कोई, बाकी के पुराण है बहुत सारे पुराण, कुछ है तमोगुण में पुराण, इन 18 पुराणों में से वे विभाजित किए गए। छह जो है तमोगुणी है, छह जो है रजोगुणी, और छह जो है सत्वगुणी। इसमें से सबसे उत्तम है श्रीमद् कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विषय में इसमें वर्णन। और श्रीमद् यहाँ पे ब्रह्मा जी नारद मुनि को यही दे रहे आदेश, और उन्होंने आदेश, उनके आदेश के अनुसार श्री नारद मुनि सबसे आदेश पूर्वक शिष्य, कि उन्होंने ये ज्ञान जो है यहाँ पे आदेश दे रहे ब्रह्मा जी कि इसको विस्तार करो, तो उन्होंने किसको बताया? श्रीमद् श्री व्यास। तो श्रीमद् भागवतम का इतिहास भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले ही स्कंद के पहले दिया के पहले श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णन, बहुत सुंदर, बहुत लंबा तात्पर्य प्रभुपाद जी ने पहले श्लोक का दिया, क्योंकि पहले ही खोलने से अगर सब कुछ मिल जाए फिर आगे, क्योंकि कलयुग में लोगों को समय भी नहीं है सब कुछ पढ़ने के लिए। अभी ये इतना 18,000 श्लोक, तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस भागवतम, अभी इसको अच्छे से पैक किया, श्रीमद् भागवतम की महिमा बिगनिंग में, श्रीमद् भागवतम की महिमा एंड में, पूरी जो है इस कलयुग के लोगों के लिए खास करके ये भागवतम जो है ज्ञान दीपम, टॉर्च लाइट ऑफ नॉलेज, इस अंधकार से मुक्त करने के लिए ये भागवतम। और इस कलयुग में सारम है, वेदे वेदों का सारम है, सभी वैदिक ज्ञान का परिपक्का फल है, तो इसीलिए और कुछ पढ़ने की जरूरत, बस वन भागवत। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, शिवजी कह रहे इस कलयुग के लोगों के लिए और सभी
समय के लिए, और ये एक शास्त्र श्रीमद् भागवत काफी। ये वेदों का सब जो रस है, जूस, नेक्टर, वो यहाँ पे इसका श्रीमद् भागवतम की इस इतिहास जो है अत्यंत महिमा मंडित है। इसका संग्रह श्री व्यासदेव ने दिव्य ज्ञान के परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात किया। तो उन्होंने ये ज्ञान को कभी, उन्होंने ऐसे नहीं कि श्रीमद् भागवतम का ज्ञान उन्हें पहले नहीं, उन्होंने सभी वैदिक साहित्य की सभी रचनाएं उन्होंने की, वेदांत सूत्र, सभी वेद, वेदांत सूत्र, उपनिषद, सब कुछ उनकी उनकी रचना उन्होंने की। तो ये श्रीमद् भागवतम उन्होंने अपने परिपक्व अवस्था में उन्होंने इस ज्ञान को लिखा। His maturity, in his maturity, उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद जी के आदेश से इनकी रचना की। व्यासदेव ने समस्त वैदिक वांग्मय का संकलन किया, जिसमें चारों वेद, वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, पुराण, महाभारत आदि सम्मिलित है, किंतु वे इतने पर भी संतुष्ट नहीं ना, सब उन्होंने सब फिर भी वे संतुष्ट नहीं थे। जब उनके गुरु नारद ने उनके इस संतोष असंतोष का को देखा, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के विषय में लिखने का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी से नारद, नारद जी ने, क्योंकि वे बहुत मायूस हो गए थे व्यास ने, उनको वो आनंद नहीं हो रहा था, उनको संतुष्टि नहीं हो रही थी, वे संतुष्ट नहीं थे। इतने सारे पूरे वैदिक साहित्य की जो उन्होंने रचना की, फिर भी वे असंतुष्ट थे। तब नारद मुनि ने उनको भगवान के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के विषय में लिखने का उपदेश दिया। ये दिव्य कार्यकलाप इस ग्रंथ के दशम स्कंध में विशेष रूप से वर्णित है, किंतु इनका सार प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह क्रमशः ज्ञान विकसित करके धीरे धीरे अग्रसर हो। तो ये महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे श्री प्रभुपाद हमें आदेश दे रहे हैं कि हमें क्रमशः पढ़ना है, सीधे दसवें स्कंध तक हम नहीं पहुंचे। और हम समझ रहे हैं क्यों ना, क्योंकि हमने अभी हम इस दूसरे अध्याय को पढ़ा, और इस दूसरे अध्याय को पढ़ने से वो कितना टेक्निकल है कि इतना बोरिंग भी होता है, लेकिन आप लोगों को बोरिंग लगा कि नहीं पता, लेकिन जो है समझ में आया कि इसको भी, क्योंकि जब तक हम भगवान की
को तत्व से नहीं जानते, जब तक हम नहीं जानते कि ईश अनुभूति का पहला सोपान क्या है, हृदय में परमात्मा क्या है, सर्व कारणों के कारण कौन है, सभी अवतारों के स्रोत क्या है, सभी अवतारों के विषय में भगवान की कार्यकलापों को सुनने से हमारे जब कानों से उनका जो दिव्य जो ये कार्यकलाप हम सुनते हैं तो हमें दिव्य आनंद की प्राप्ति, ये सब ब्रह्मा जी ने यहाँ तक सब समझाया है। अनेक अनेक श्लोक अध्याय श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के अध्याय 1 से लेकर ये 7वें अध्याय तक, और यहाँ पे बता रहे कि श्रीमद् भागवतम कितना महत्वपूर्ण है कि आदि मध्य और अंत से ये पूर्णतया भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान का जो गुण है उसमें और कुछ नहीं है। स्पॉटलेस पुराण श्रीमद् भागवतम, अमल पुराण, और सबसे उत्तम उच्च स्तर का आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचाने वाला ये ज्ञान श्रीमद् भागवतम। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित उनके स्वरूप का अध्ययन है, और यह अंतरंगा शक्ति हमारे अनुभव गण दृश्य जगत को उत्तम करने वाली बहिरंगा शक्ति से भिन्न है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम इसीलिए है क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस भौतिक जगत से संबंधित है। ये उच्च दिव्य ज्ञान है, भगवान की अंतरंगा शक्ति प्रदारित ये ज्ञान है। तो श्रीमद् भागवतम का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि पहले ही अध्याय में क्लियर कर दिया है कि कृष्ण धामो पगते, मतलब भगवान के धाम पगते, मतलब भगवान अपने धाम को वापस जाने के धर्म ज्ञानाभीर सह। तो ये जो है श्रीमद् भागवतम कलो नष्ट दृश्यम एष पूरा नको धुनोदति, कि ये जो श्रीमद् भागवतम जो है वो कैसा है, पुराण अर्क सूर्य के समान श्रीमद् भागवत पुराण इज एज ब्रिलियंट एज द सन। 1343 हिंदी में तीसरे अध्याय श्रीमद् भागवतम के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 43। यस, यह भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशमान है और धर्म ज्ञान आदि सहित कृष्ण द्वारा निज धाम चले जाने के पश्चात ही इसका उदय हुआ है।
तो भगवान के भगवान अपने धाम में वापस जाने के बाद ये श्रीमद् भागवतम भगवान छोड़ के गए हमारे लिए। किस लोगों के लिए? जिन लोगों ने कलयुग के कलयुग में अज्ञान से ग्रहण अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। यही है कि हम इस कलयुग में अंधकार, ज्ञान की अंधकार में है। The Bhagavad Puran is as brilliant as the sun. This is very popular word. Prabhupada ji ko hamesha hum sunte hain. Brilliant as the sun. And it has arisen just after the departure of Lord Krishna to his own abode. Accompanied by religion, knowledge, etc. Persons who have lost their vision due to the dense darkness of ignorance in the age of Kali shall get light from this Puran. Here, Svanubhavam Akhila Shruti Saram Ekam. Srimad Bhagavatam jo hai, ye Svanubhavam. अखिल सब जन स्वानुभाव मतलब सेल्फ एसिमिलेटेड। ये जो ज्ञान जो श्री व्यास देव ने कैसे दिया, उन्होंने स्व अनुभव, ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसे ये ज्ञान को, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि जो बाकी के शास्त्र उन्होंने प्रदान किए हैं उसमें जो क्या है, क्यों मुझे असंतुष्ट, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, स्व अनुभव सेल्फ एसिमिलेटेड एक्सपीरियंस्ड नॉलेज है। अश्रुति सारम वेदों का सार, श्रुति वेदा, सारम क्रीम मलाई, ये वेदों का मलाई श्रीमद् भागवतम जो उसने पढ़ा हो और शास्त्र फीके पढ़ते, ये श्रीमद् अध्यात्म दीपम, ये श्रीमद् भागवतम जो है क्या है, अध्यात्म दीपम, श्रुति सारम एकम, नो अधर, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, तो एकम श्रुति सारम एकम श्रीमद् भागवतम। तो ये कैसा है, ये ज्ञान का दीप, आध्यात्म दीपम, अतीर्ति सताम, जो लोग तम अंधम से मुक्त होना चाहते इनके लिए ये ज्ञान का दीपम है। किसके लिए? संसारी लोगों के लिए। आध्यात्म दीपम अति तीर सताम तमोन अंधम संसारी नाम करुणयाह पुराण घूयम। ये जो है संसारी नाम, जो इस संसार में जो मटेरियलिस्टिक मेन करुणा, उनके ऊपर करुणा
दिखाने के लिए श्री व्यास देव ने अपने स्व अनुभवम अवस्था में उन्होंने श्रीमद् भागवत तम व्यासम सुनम उपयामी गुरु मुनिनाम। तो इस प्रकार से ये जो है श्रीमद् भागवतम ये जो नेचुरल कमेंट्री ऑन द वेदांत सूत्र नेचुरल कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र मतलब जिसने वेदांत सूत्र की रचना की है उन्होंने ही इस वेदांत सूत्र पर ये कमेंट्री श्रीमद् भागवतम स्वानुभाव अखिल सूर श्रुति सतामेक। लेट मी ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस ऑन टू हिम सुखा द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ ऑल सेजेस द सन ऑफ व्यास देव हु आउट ऑफ हिज ग्रेट कंपैशन फॉर द ग्रॉस मटीरियलिस्ट हु स्ट्रगल टू क्रॉस ओवर द डार्क रीजंस ऑफ मटीरियल एक्सिस्टेंस स्पोक दिस मोस्ट कॉन्फिडेंशियल supplement of cream of Vedic knowledge after having personally experienced it. तो ये यहाँ पे बताया। तो ये श्रीमद् भागवतम की महिमा यहाँ पे बताई जा रही कि किस प्रकार से ये जो है वैदिक वृक्ष का पक्का फल अचानक ऊंची शाखा से पृथ्वी पर गिरकर टूटने बिना एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहता है। अतः जब तक उपयुक्त परंपरा के प्रामाणिक प्रतिनिधियों से इन तत्व ज्ञान को नहीं सुना जाता तब तक मनुष्य को इस ज्ञान को समझ नहीं सकता। और यहाँ पे चेतावनी दी जा रही है कि उसे उन व्यवसायी भागवत वाचकों से नहीं सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवतम को व्यवसाय बना लिया ऐसे लोगों को सुनना नहीं चाहिए। और फिर इतना शो और ड्रामा और ड्रामा मतलब ना ड्रामा ड्रामा ना पे मतलब इतना सब बड़ा सन पे भाव में आके आंसू बहना बहते हुए लोगों को क्या करना है लोगों को इंद्रियों को ये करना यहाँ पे बताया गया श्रोताओं की इंद्रियों को तुष्ट करके जीविका पार्जन करते हैं। उनसे नहीं सुनना चाहिए क्योंकि कलयुग में सबको जो एक्चुअली ये हम सभी का ही दोष है क्योंकि हमको सब चीप चाहिए सस्ता चाहिए भागवत कथा भागवत कथा भागवत कथा चाहिए भागवत कथा चाहिए क्योंकि जानते हैं भागवतम सुनने से क्या होता है लेकिन ऐसे नहीं होता कि जो जानते हैं परमहंसों के लिए है श्रीमद् भागवतम पहले ही क्लियर बात बताई गई है पहले ही स्कंद में शिवजी त्रिशूल लेके भागे मारने के लिए जब उन्होंने देखा कि वो तोता ये जानते हैं किसी ने अगर सुन लिया जो योग्य नहीं है वो नहीं रह सकता योग्यता चाहिए दोनों में योग्यता होनी चाहिए वक्ता और श्रोता। तो आजकल श्रोता सब लोग ऐसे ही चाहते हैं तो वक्ता भी ऐसा ही देगा पर ऐसा भागवतम
भागवतम को पढ़ने के लिए हमें गुरु परंपरा से, प्रमाणिक गुरु परंपरा से, जैसे ब्रह्मा जी यहाँ पे बताते, ब्रह्मा जी कहते मैं तो कुछ भी नहीं हूं, और ब्रह्मा जी सबसे परम इस जगत के पहले जीव है, वो सब कुछ जानते हैं, उनमें कितनी शक्ति है। हम देखते हैं कितने सब असुर वगैरह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की, क्योंकि वो कुछ भी दे सकते हैं ना, इसीलिए क्यों करने जाए, क्यों जा रहे ब्रह्मा जी के पास, क्यों उनकी उनको प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। वे कह रहे तो मैं तो कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है मैंने, जो कुछ भी शक्ति या जो कुछ भी हमने पाया है वो है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही मैं कर रहा हूं। क्योंकि यही तो प्रश्न डाउट था नारद मुनि ने, यही किसी तो इसीलिए तो ब्रह्मा जी बोलने शुरू कर दिए इतने सारे अध्यायों में। नारद मुनि भी जानते हैं, सब लोग जो है, नारद मुनि हमेशा सबसे बेस्ट, हमेशा भगवान की महिमा को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए कभी कभी कुछ टेढ़ा मेढ़ा सब कर देते, क्योंकि भगवान की महिमा कंस को भी जाके बोल दिया कि अरे पता नहीं है ये पहला पुत्र ये नहीं ऐसा है वैसा, जल्दी तो फटाफट फटाफट भगवान को प्रकट करने के लिए। क्योंकि पहले कंस ने सोचा कि चलो छोड़ देते, आठवा है ना, तो क्यों मारना है उनको, को छोड़ देते। नारद मुनि चाहते हैं जल्दी जल्दी भगवान प्रकट हो जाए। उनको बोला कंस को तुम जानते नहीं ये भगवान को, आठवां भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा सबको मार। तो इस प्रकार से जो है भगवान की महिमा जो है महान, और श्रीमद् भागवतम जो है सबसे उत्तम रस, भगवान के साथ जीव का संबंध जोड़ने का ये जो ज्ञान है। तो ये यहाँ पे इके किसी को कुछ कहना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत्।